बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास जनरल साइंस का बेटा पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आपने इसको लाजमी याद करना है। बाकी तैयारी आपने बाद में करनी है क्योंकि इसमें से बहुत सारा आप लोगों का पेपर जो है पूछा जाएगा। सबसे पहला जो MCQs है वो पोर्शन मैं शेयर करूँगा। टोटल 20 मिनट का बेटा आप लोगों को टाइम मिलेगा और 15 नंबर के आप लोगों के MCQs होंगे। तो पहला MCQs है पौधों का मतालिया क्या कहलाता है, बोटनी। कीमिया की मदद से बायोलॉजी का मतालिया करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। दूध में पानी की मकदार कितने फीसद होती है, 78%, 68%, 86% या 87%। कौन सी गैस बिजली के बल्ब को भरने के लिए इस्तेमाल की जाती है, हीलियम, आर्गन, नियोन या क्लोरीन। इसमें नियोन भी इस्तेमाल हो जाती है तो मोस्टली यही इस्तेमाल करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की इस्तलाह कब मुतारफ़ करवाई गई, 1870 में। कोएंजाइम्स होते हैं नॉन लिपर्स, नॉन फैट, नॉन प्रोटीन या नॉन ग्लूकोज। हेमोग्लोबिन क्या है, विटामिन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। चावल में तवानाई की मकदार किलो कैलोरीज फी 100 ग्राम में होती है, 248, 348, 284 या 384। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी बीमारी होती है, विटामिन बी, ए, के या सी। कौन सी बीमारी में मरीज का दर्जा हरारत 104 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है, टैटनस, कोलेरा, मलेरिया या टाइफाइड। स्टरलाइजेशन में खुराक की चीज़ों को किस दर्जा हरारत पर 1 से 2 सेकंड तक गर्म किया जाता है, आई थिंक इसका 147 है, ठीक है आप लोग फिर भी इसको कन्फर्म कर लीजिएगा। दुनिया की कितने फीसद आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है, 60%, 50%, 80% या 70%। मेसोस्फीयर में दर्जा हरारत कितने तक कम हो सकता है, -80, -90, -110 या -100। आलूदगी की कितनी अकसाम है, 2, 3, 4 या 5। आबादी की फीसद तादाद जो पाकिस्तान में ज़राअत पर निसार करती है कितनी है, 60, 50, 70 या 80, 60, 50, 70 या 80। तो इसके अलावा बेटा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जो सवालात हैं, शॉर्ट और लॉन्ग सवालात, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवालात हैं, इस हिसाब से आपका सारा पेपर आएगा, इसी हिसाब से आप लोगों का सारा पेपर पैटर्न वगैरह जो है आएगा। पहला डब्बा है जी बेटा, पहले डब्बे में 9 सवाल पूछेगा। ये देखें आपने इसमें से कोई से 7 सवालात के जवाब देने हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल DS स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आपने ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पेपर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा बेटा जो भी आप फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो बेटा नीचे लाइक का बटन होगा, तो प्लीज़ तमाम बच्चों ने यहाँ से वीडियो को लाइक लाजमी कर देना ताकि वीडियो बाकी स्टूडेंट्स तक जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। लाइक तमाम बच्चों ने लाजमी करना है। तो बेटा अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर्स और इंटरनेट के 2 फवाद तहरीर करें। अलराजी के ने कीमियाई मरकबात को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया था, किताब अल कीमिया का तर्जमा किसने और कब किया था, पाकिस्तान के एटमी धमाके कब और कहाँ किए गए, रेस्पिरेशंस की तरीफ करें और इसकी मसावात तहरीर करें, कार्बन के 2 नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स के नाम तहरीर करें, बर्फ पानी की सतह पर क्यों तैरती है वजह तहरीर करें, नाइट्रोजन चक्कर की तरीफ करें, पोटासियम कार्बोनेट के 2 इस्तेमाल तहरीर करें। बेटा उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर बताया गया है, आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में सवाल देख लीजिएगा, अगर आप लोग उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं तो बेटा आप लोग उर्दू मीडियम में सवाल जो है देख लीजिएगा। उसके बाद है कैटलिस्ट की तरीफ करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरीफ करें, एंजाइम्स की कोई से 2 इस्तेमाल तहरीर करें, रिसाइकलिंग क्या है इसके 2 इस्तेमाल तहरीर करें, फैट्स और ऑयल्स में क्या फ़र्क है बयान करें, चर्बी में हल होने वाले कोई से 4 विटामिन के नाम तहरीर करें, विटामिन ए और डी के बड़े माखज़ कौन से हैं नाम लिखें, विटामिन की तारीफ करें और पानी में हल होने वाले 2 विटामिन के नाम लिखें, एजिंग की तारीफ करें और इसके 2 मजीद असरात तहरीर करें। उसके बाद तीसरा शॉर्ट सवालात वाला डब्बा है बेटा, 3 डब्बे आएंगे पेपर में, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और इसी तरह तीसरा डब्बा।
पहला है जी सवाल इसका, हम डेंगू को ब्रेक बोन फीवर क्यों कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। स्टरलाइजेशन क्या है, हवा से जरासीम कैसे फैलते हैं। कोपरिक स्पोर्ट्स क्या है, एटमॉस्फेयर की चार तहों के नाम लिखें। स्मोग क्या है, नाकाबले तजदीद कुदरती वसाइल से क्या मुराद है। वाइल्ड लाइफ वायर्स रिजर्व्स से क्या मुराद है। माही प्रवी से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाई फिशरीज। तो बेटा ये आप लोगों के शोर सवाल थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ये पहला डब्बा है, ये तो तीसरा डब्बा है, ये शोर सवाल का दूसरा डब्बा था और ये शोर सवाल का पहला डब्बा है। तो तीन डब्बे आएंगे, हर डब्बे में नौ नौ सवाल पूछेगा आपसे, उसमें से आपने हर डब्बे में से तकरीबन छः छः सवाल करने हैं। बेटा अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसके लॉन्ग सवाल। लॉन्ग सवाल कोई से तीन सवाल के जवाब देने, पाँच आएंगे, एक दो तीन चार और पाँच, बेटा पाँच लॉन्ग सवाल आएंगे, आपने इसमें से कोई से तीन पिक करने हैं। साइंस के लिए इब्न अल हिसम के अहम कारनामे तहरीर करें। जिंदगी में आयरन के चार इस्तेमाल बयान करें। एंटीबायोटिक्स की तारीफ करें। नेज पेंसिलिन की वजाहत करें। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मेटाबॉलिज्म में फर्क तहरीर करें। नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद की गजा के मुतल्लिक वजाहत से बयान करें। आंख का जख्म और बेहोश होने के बारे में तफसील बयान करें। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वजाहत करें। वजाहत करें मेडिसन्स, पेन किलर्स और सेडेटिव्स और हेलोजन, इनकी आपने मेरा डेफिनेशन ही करनी है, ये बताया जो है ना उसने नीचे, मेडिसन्स, पेन किलर्स और सेडेटिव्स, इनकी सिंपल आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। उसके बाद है एटमोसफेयर क्या है, इसके मुख्तलिफ तहों की वजाहत करें। पानी की आलूदगी की वजूहत बयान करें। तो बेटा ये आप लोगों के सवाल हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या हम ये तीन सवाल करने हैं या एक इसका कर लो, एक इसका कर लो। बेटा ऐसे नहीं करना, आपने आपने कोशिश करनी है कि तीन सवाल पूरे पूरे करो, या पाँचवा छःवा सातवां अटैम्प्ट कर लो, या पाँचवा आठवां नौवां। इन केस अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन तो आप लोग लास्ट वाला क्वेश्चन इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। नंबर आपको मिलने के चांस हैं, लेकिन कोशिश आपने वही करनी है कि तीन सवाल पिक करें ताकि आप लोग जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकें और पेपर चेकिंग के दौरान जो है वो कोई मसला ना हो। तो बेटा ये आप लोगों के लॉन्ग सवाल थे और इसके साथ साथ ये आप लोगों के शॉर्ट सवाल थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और बेटा इसके साथ साथ यहाँ पे हैं एमसीक्यूज जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो बेटा ये आपका पेपर था, आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी। सो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 यहाँ से वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर दें, अभी कर दें मेरे सामने, ताकि मुझे याद रहे कि किस इस बच्चे ने सब्सक्राइब किया हुआ है। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को बेटा अपने आल पे सेलेक्ट कर देना। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दे, अल्लाह करे वो तमाम बच्चे जो किस चैनल से तैयारी करते हैं, अल्लाह पाक उन बच्चों को इस माह मुबारक के सदके जब अच्छे नंबर से पास कर दे। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दी एंड खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।